हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश का यूनिट 2 पोएम 1 लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? बर्ड टॉक। पोएम का नाम क्या है? बर्ड टॉक। देखो, ये दो तरह के बर्ड हमको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देते हैं ना? हाँ, तो वो दो बर्ड है, दो पक्षी है, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये पोएम इसी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो मैं आगे आप रीड करती हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने ऑनलाइन बुक ओपन की है, तो आप भी ऑनलाइन बुक ओपन करके ये पोएम रीड कर सकते हैं। ठीक है, बर्ड टॉक, बर्ड पक्षियों की बातें। थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जॉय। सोचो सोचो, रॉबिन बोल रहा है, सोचो सोचो। देखो, ये ब्लू कलर का बर्ड दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला, उसका नाम रॉबिन है। तो वो बोलता है, सोचो सोचो। थिंग सेड द जॉय, सोचो सोचो। जॉय भी बोल रहा है, दूसरा पक्षी भी बोल रहा है कि सोचो सोचो। सीटिंग इन द गार्डन, टॉकिंग वन डे। वो एक दिन गार्डन पे बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये दोनों पक्षियों का नाम क्या है इस पोएम में? एक का नाम रॉबिन है और एक का नाम जॉय। और वो दोनों क्या बोल रहे हैं? थिंक मतलब सोचो। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। तुम ऐसा, मतलब ये दो रॉबिन जय से बोल रहा है और जय रॉबिन से बोल रहा है कि थिंक अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, वो कैसे बढ़ते हैं, मतलब छोटे से बड़े कैसे होते हैं, क्योंकि हम तो छोटे के छोटे ही होते हैं। पक्षियों की पक्षी हम तो पक्षी के जैसे नहीं है ना, पक्षी तो हमारे होते हैं। तो ये बर्ड्स ऐसा सोच बोलते हैं एक दूसरे से, ये आदमी लोग कैसे बढ़ते होंगे, ये तुम सोचो। दे डोंट हैव फेदर्स, उन लोगों के पास तो फेदर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कैन यू गैस? फेदर्स का मतलब पंख, जो हमारे पक्षियों के पंख होता है ना, पक्षी अब बिना पंख के उड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे फेदर का मतलब पंख। दे डोंट हैव फेदर्स मतलब आदमी हम लोगों के पास तो पंख भी नहीं होते, मतलब हम पीपल मतलब हमारे जैसे लोग होते हैं ना, उन लोगों के हमारे पास पंख होते हैं, हमारे पंख होते हैं नहीं होते ना। तो यहाँ पे बर्ड एक दूसरे से ऐसा बोल रहे हैं कि दे डोंट हैव फेदर्स, उन लोगों के पास तो पंख भी नहीं है। एट ऑल यू नो, क्या तुम्हें पता है, उन लोगों के पास तो फेदर्स भी नहीं होते और हमारे पास फेदर है। आगे मैं पढ़ती हूँ। दे डोंट ईट बीटल्स, यहाँ दे डोंट ईट बीटल्स, बीटल का मतलब जीव जंतु। पक्षी या तो जीव जंतु खाते हैं ना, कीड़ी मकोड़े, मगर आदमी खाता नहीं है। लोग हम खाते हैं कीड़ी मकोड़े? हाँ, हम लोग नहीं खाते ना कीड़ी मकोड़े। तो दोनों बर्ड एक दूसरे से बातें करते हैं कि दे डोंट ईट बीटल्स, वो दोनों लोग तो बीटल्स भी नहीं खाते, बीटल्स का मतलब जीव जंतु भी नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके तो पंख भी नहीं होते और पंख भी फैलते नहीं है। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, वो लोग तो वायर के ऊपर भी नहीं बैठ सकते। देखो, नीचे एक दूसरा भी आपको पिक्चर दिखाई देता है। देखो, सभी पक्षी वायर के ऊपर कैसे बैठे हुए हैं, हम लोग ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। तो ये पक्षियाँ तो ऐसा ही बोलते हैं कि ये हम लोग तो वायर पे बैठते भी नहीं है और हम वायर पे बैठ सकते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग, उनको बैठना अच्छा नहीं लगता है। ऑन वायर्स, वायर्स का मतलब जो पतली सी वायर होती है ना, हमारे घर पे भी होगी,
जो हम तार बांधते हैं उसके ऊपर कपड़े सुखाते हैं उनको वायर्स कहते हैं। आगे मैं पढ़ती हूँ। थिंग सेड द रॉबिन, रॉबिन ऐसा थिंग सेड द रॉबिन, रॉबिन बोलता है सोचो सोचो। थिंग सेड द जय, जय भी बोलता है सोचो सोचो। आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे, क्या लोग इस ऐसे फनी भी होते हैं, मजाकिया भी होते हैं। मतलब हम लोग तो मजाक भी करते हैं ना, पक्षियाँ थोड़ी मजाक करते हैं, नहीं करते ना। तो पक्षियाँ ऐसा बोलते हैं कि आरंट दे आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे, वो लोग तो मजाक भी करते हैं। तो बस इस पोएम में हमें ऐसा कहा गया है कि दो पक्षियाँ होते हैं, एक का नाम रॉबिन होता है, एक का नाम जय होता है। वो दोनों बोलते हैं कि लोग पीपल किस तरह से बढ़ते हैं, लोग किस तरह से छोटे से बड़े होते हैं, उनके तो पंख भी नहीं होते, वो तो वायर पे बैठते भी नहीं हैं, वो बिटल भी नहीं खाते और वो लोगों की तरह मजाक भी करते हैं। बस इस पोएम में हमें इतना ही बताया गया है। आगे देखो न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स क्या है? बीटल मतलब छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उसे बीटल्स कहते हैं। सीटिंग, सीटिंग का मतलब बैठना। देखो ये पक्षियाँ बैठे हैं ना उसको सीटिंग कहते हैं। वायर, वायर मतलब वो पतली सी वायर होती है वो, और फनी मतलब मजाक। अब देखो मैं क्वेश्चन आंसर आपको अभी ओरली आपको वो बताती हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। और आपको ये जो भी मैं PDF या पिक भेजू आपको इंग्लिश की नोटबुक में राइट करके रखना है। रीडिंग इज फन। फर्स्ट नंबर, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम में दो बर्ड्स के नेम क्या हैं वो आपको लिखने हैं। तो क्या है? एक का नाम रॉबिन और एक का नाम जय। रॉबिन एंड जय। सेकेंड नंबर, वॉट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कान डू। तो पीपल कौन सी तीन चीजें नहीं कर सकते इस पोएम में? तो फर्स्ट मैं बोलती हूँ, पीपल कांट फ्लाई, पीपल उड़ नहीं सकते। बर्ड उड़ सकते हैं ना, हम लोग उड़ सकते हैं। पीपल का मतलब हम लोग जैसे आदमी लोग होते हैं ना उसको पीपल कहते हैं। दे कांट सीट ऑन वायर्स, हम लोग भी वायर पे बैठ नहीं सकते। दे कांट गेट फेदर्स एंड विंग्स, उनके पंख भी नहीं होते और उड़ नहीं सकते। वॉट डू थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वॉट डू बर्ड्स थिंक फॉर पीपल, लोग वो दोनों पक्षी हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? तो द बर्ड थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी। वर्ड्स कहते हैं ना कि पीपल लोग बहुत ही मजाकिया करते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऐसा आएगा कि बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी, ठीक है। आपको पता चलता है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो? हाँ। और ये टॉक टाइम है, टीम टाइम है, वो आपको एक्टिविटी में एक्टिविटी करनी है वो घर पे। इमेजिन वॉट टू पी एलिफेंट्स वुड से ईच अदर अबाउट पीपल, लेट देम टॉक अबाउट। ये दोनों एलिफेंट एक दूसरे से बातें करते हैं, वो उसके बारे में आपको मतलब इमेजिन करना है, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी क्या दी गई है? लेट्स मेक फिंगर पपल्स, मतलब हमारी अंगूठे का हमें पपेट बना है, कठपुतली बनानी है और वो ड्रॉ करनी है हमें यहाँ पे। देखो ये आपको दी गई है ना, इस तरह से आपको करना है। मतलब ये एक्टिविटी ये हमारे एग्जाम में पूछाती नहीं है, लेकिन ये आपको घर पे आपको अच्छा लगे आपका तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखो लेट्स राइट लिखा है, लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल चिर्प चिप चिप। मतलब जो बर्ड होते हैं वो कैसी आवाज़ें निकालते हैं वो आपको राइट करनी है।
तो फर्स्ट टर्म में तो चीप चीप लिखा है, फिर क्या आता है, स्पैरो ची 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 करती है ना, तो यहाँ पे हम सी एच ई ची यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर कोयल क्या बोलती है, कुकू, तो यहाँ पे कुकू भी हम राइट कर सकते हैं, कुकू, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है नाउ राइट फोर सेंटेंस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उसका सेंटेंस बना बना के आपको राइट करना है। ये भी आपको होमवर्क में राइट करना है, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप उसका सेंटेंस बना के राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिया दिया गया है, ग्रो नो थ्रो, फिर क्या है डे बे, तो फिर ये यहाँ पे हम पे भी राइट कर सकते हैं, फिर थिंक, थिंक है, ब्रिंक, लिंक, फनी, बनी, ये आप ये भी मैं आपको एक्सरसाइज में पीडीएफ उसका भेज दूंगी, आपको ये नोटबुक में राइट करना है, क्योंकि मेरे पास क्लास 3 की इंग्लिश की बुक नहीं है, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन बुक ओपन करके पढ़ाया है मैंने, लेकिन मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज भेज दूंगी, आपको ये इंग्लिश की नोटबुक में राइट करके रखना है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको अगला चैप्टर सिखाऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय।